हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। जब भी हम नई कंपनी बनाते हैं टैली में तो रिसीविंग क्यों कराई जाए, ये सवाल बार बार मन में उठता है और इस सवाल का बस एक ही जवाब है। वो जवाब क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो टैली देखिए, ये नई कंपनी है द शाइन एंड शॉप। इसमें कोई भी एंट्री मैंने की नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पीरियड पहले चेक करता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ, ऑल्ट एफ टू प्रेस करूंगा तो ये विंडो ओपन होगी। 1/4 से लेकर 31/3/2024 तक का पूरा जो पीरियड है उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से के प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एंट्री हुई नहीं है। यहाँ ऑल्ट एफ टू करता हूँ, यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक की पूरी डिटेल हम देख लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी एंट्री हुई पड़ी हमें नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम एंट्री करते हैं, जैसे परचेज में पहली एंट्री होती है, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सामान की लिस्ट जो आती है उसे परचेज में एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो परचेज में जब आप एंट्री पास करने जाते हैं तो यहाँ पर वो डेट आती है जिस डेट पर आप एंट्री पास कर रहे हो। यहाँ पर होलसेलर पार्टी का लेजर आ जाता है, ये सब तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये सब आ जाता है एंटर करते हुए। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाता है, यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम हमने बनाया है, जैसे मान लीजिए ऑल्ट सी करके हम बना लेते हैं राइस, RIC राइस बना लिया, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पे ऑल्ट सी करते हैं। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पे सिम्बल देते हैं KG, ठीक है, यहाँ पे KG दे दिया सिम्बल, और यहाँ पर फॉर्मल नेम किलोग्राम लिख देते हैं तो ये लिख दिया किलोग्राम। एंटर करेंगे UPC कोड में KG कर देते हैं तो यहाँ पे किलोग्राम्स आ जाएगा, और यहाँ पे 3 करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। बाकी GST मैंने पहले चालू कर रखा है। यहाँ पे 60 किलो चावल हम परचेस कर रहे हैं और इसका जो रेट है वो है 40 रुपये के हिसाब से, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे GST लगाना है और सी करके CGST और SGST बनाएंगे क्योंकि सेम स्टेट का मामला है, ठीक है। तो ये सेम स्टेट के मामले के लिए हम यहाँ पे CGST SGST ही लगाएंगे। तो पहले CGST ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, और ये GST ही है और CGST है यानी सेंट्रल टैक्स। एंटर करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। तो यहाँ CGST कैलकुलेट हो जाता है, जब भी CGST लगाएंगे तो उसके साथ SGST भी आता है, ये बात आपको पता ही है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, ये GST ही रहेगा, और यहाँ पर SGST यानी स्टेट टैक्स कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी नॉर्मल राउंडिंग करके आगे बढ़ेंगे, इसे एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में खरीदा, और इसे सेव कर लेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब ये एंट्री कैसे दिखेगी, तो ये एंट्री ऐसी दिखेगी। अल्ट पी करके इसका प्रिंट आउट दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये बिल ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं, ये बिल आपका बन गया, ये परचेज का बिल है, ठीक है, ये जो आप परचेज करके लाए हैं उसका एक बिल है, ठीक है। अब यहां से बाहर आ जाते हैं, अब ये जो परचेज किया है इसका पेमेंट करना पड़ता है। यहीं पर आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा कि अगर आपने रिसीव नहीं कराया अपने कंपनी में पैसा तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, यहीं पर वो बात समझ में आएगी। तो वी बटन प्रेस करके चलते हैं और F5 प्रेस करते हैं पेमेंट के लिए। तो ये आगे पेमेंट वाउचर में, यहाँ पे डेबिट आ रहा है, डेबिट किसको करना है, वो पार्टी डेबिट हो जाएगी जिस पार्टी से हमने परचेस किया था सामान। तो होलसेलर यहाँ पे बनाया मैंने, इनको 2832 रुपये देना है, तो यहाँ 2832 रुपये इनको दे देते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर आ जाता है और ये बिल नंबर है, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर अगर हमारे पास कैश है तो कैश कर देंगे, ठीक है, और कैश करके एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ तुरंत वार्निंग आएगी नेगेटिव कैश की, ठीक है। अगर आपने ये एंट्री पास करा दी, एंटर कर दिया, तो फिर आपकी नौकरी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर कैश आपके पास है नहीं और आप जबरदस्ती एंट्री पास कर रहे हैं तो ये नेगेटिव कैश तो आएगा ही। इसी के चलते आपको कैश रिसीव कराना बड़ा जरूरी है, अगर रिसीव करा लेंगे तो ये नेगेटिव कैश नहीं आएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कैसे, यहाँ पर आए, अब बी बटन प्रेस करते हैं, अब F6 प्रेस करते हैं रिसिप्ट के लिए। तो ये F6 प्रेस किया, अब यहाँ पर कंपनी में लगाए जाने वाले फंड को कैपिटल बोलते हैं, ये कैपिटल कर दिया, तो यहाँ पर जो भी फंड है वो रिसीव करा दिया हमने और रिसीव करा करके इसे एक्सेप्ट करा दिया। अब हम चलते हैं एंट्री पास करने, कौन से वाउचर में, इस बार चलते हैं पेमेंट वाउचर में। तो F5 प्रेस करते हैं पेमेंट के लिए और यहाँ पर आए, अब हम होलसेलर को पेमेंट करेंगे, देखते हैं कि अब ये पेमेंट हो जाता है या नहीं, कोई नेगेटिव कैश का मैसेज आता है या नहीं आता, ये चेक करते हैं। तो ये एंटर किया, ये अगेंस्ट रेफरेंस पर कर्सर आ ही जाता है, ये सब तो आपको पता ही है। यहाँ पे कैश करते हैं, अब देखिए ये एंट्री पास करते वक्त कहीं भी नेगेटिव कैश वाली बात नहीं आई, तो इस वजह से जरूरी है कि आप रिसिप्ट वाउचर में पहले एंट्री पास कराइए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है।